हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, कैसे हैं आप लोग। चलिए, थर्माकोल कटिंग के बारे में जो वीडियो का सीरीज स्टार्ट किया हो उसका आज तीसरा वीडियो है। मैं जानता हूँ कि बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, ये आज तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले दो वीडियो में मैंने आप लोग को बेसिक कटिंग के बारे में बताया था, जो आप लोग को बेसिक शेप्स कैसे काटते हैं, चाकू का नॉलेज मैंने आप लोग को दिया था। ऐसा है, हम लोग का जो पिछला जो वीडियो था, जो सीरीज का दूसरा वीडियो था, लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया, पर मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था कि व्यूज़ आए उतना ज़्यादा आया नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है कि जो मेरा कंटेंट होता है वो शादी का सीज़न में ही ज़्यादा देखा जाता है। तो अभी तो शादी का सीज़न चल रहा था, पर अब शादी किसी का है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सब अपने शादी कैंसिल कर चुके हैं, इसलिए मेरा कंटेंट को ज़्यादा देखा नहीं जा रहा है। तो चलिए, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो जो है वो बनाता रहूँगा। मुझे पता है कि ये बहुत लेट आ रहा है, ये जो सीरीज चल रहा है उसका थर्ड वीडियो है वो बहुत लेट आ रहा है। तो चलिए, जो शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। हाँ चलिए, तो अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था पिछले वीडियो में कि अगला जो वीडियो होगा वो थोड़ा एडवांस होगा कटिंग के बारे में, तो ये मैंने राउंड ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम लोग अपना कटर लेके उसको काटना शुरू करते हैं। तो हम जो ये कट जो हम लोग काट रहे हैं, ये आपको सीधी रखनी है, जो थर्माकोल कटर है उसको, और आपको सीधी चलानी है इसको। तो मैं आप देख रहे हैं कि जो मैं कटिंग काट रहा हूँ, जो उसमें ड्रॉ किया उसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। तो जो थर्माकोल कटर होगा उसको आप क्रॉस काटिएगा, मतलब जहाँ तक आपको चाहिए डिजाइन उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि जब वो निकले तो एकदम शार्प निकले और सही से वो कटिंग निकल जाएगा वहाँ से, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। और बहुत सही तरह से वो कटिंग निकल गया है, जैसा कि देख रहे हैं इस पिक्चर में, सेम यही कट काटा हुआ है। अब सेम राउंड फिर से स्केच कर लेंगे। अब जो ये कटिंग जो हम लोग काटेंगे, ये थोड़ा 3D शेप पे निकल के आएगा। वो लोग मेरा वीडियो जो नया देख रहे हैं, उन लोग को बता दूं कि ये जो वीडियो है, मैंने एक पूरा सीरीज स्टार्ट किया है जो थर्माकोल कटिंग के बारे में पूरा ट्यूटोरियल बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो जो मैं अभी जो कटआउट निकाल रहा हूँ, ये 3D शेप में है, सेम जो पिछला डिज़ाइन था वही डिज़ाइन है, पर इसमें मैंने ब्लेड को थोड़ा सा टेढ़ा करके काटा है, तो जो डिज़ाइन निकल के आएगा वो देखिएगा बहुत सही से नज़र आएगा, जो 3D शेप में नज़र आएगा। जिस तरह इस देख सकते हैं इस पिक्चर में कि कितना सही से निकल के आया है, जो पिछला वाला डिज़ाइन था इससे पहले वो एकदम सीधा सीधा मैंने ब्लेड रखा था, इसको थोड़ा टेढ़ा ब्लेड रखा था। तो इस कटिंग को यूज करके आप लोग देखिएगा इस तरह का बना सकते हैं। अब सेम इसी में कभी कभी हम लोग जब कोई डिज़ाइन करते हैं थर्माकोल में, तो मैं जो जिस तरह से काट रहा हूँ इस तरह का कटआउट भी हम लोग को निकालना पड़ता है। तो बस ब्लेड को शार्प रखना है, पूरा तेज रखना है जो थर्माकोल कटर है उसको, और इस तरह से आप ब्लेड को पूरा तिरछा करके हल्का सा दबा के आप पीछे खींचिएगा, तो इस तरह से कट निकल जाएगा। तो इस तरह का आप डिज़ाइन मतलब अलग अलग तरह का डिज़ाइन आप काट सकते हैं थर्माकोल पे। जैसे आप कोई घर का डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें आप इस तरह का टाइल्स कस डिज़ाइन दे सकते हैं इस तरह से काट के, या फिर वेडिंग नेम प्लेट जो हम बनाते हैं उसमें भी आप इस तरह का डिज़ाइन दे सकते हैं इस तरह से काट के।
और फ्रेंड्स जो थर्माकोल है हम लोग उसको कोई भी शेप दे सकते हैं क्योंकि वो इजीली कटता है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी यूज होता है। जैसे आप घर का मॉडल बना रहे हैं, साइंस में जो बीएड वेड का भी हम लोग को बनाना पड़ता है, जैसे साइंस का कोई मॉडल बनाना पड़ता है, तो बहुत तरह से हम लोग थर्माकोल को यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब ये जो कटआउट है आप देख सकते हैं इसको मैं किस तरह से यूज कर सकता हूँ, अगर मैं कोई मॉडल बनाया हूँ तो उसमें देखिए किस तरह से यूज कर सकता हूँ। अब चलते हैं अगले कटआउट की तरफ। अब ये जो मैं कटआउट काट रहा हूँ ये एक सीढ़ी के जैसा होगा, आप देख सकते हैं। पहले मैंने मोटा वाला थर्माकोल लिया जो 33-35 mm का हो है। अब इसको मैंने 3 स्टेप में काटा है, एक सबसे नीचे से काटा उसको मैंने, उसके बाद फिर वो 50% उसको काटा, उसके बाद जो ऊपर वाला बचा हुआ था उसको मैंने 50% काटा। इस तरह से सीढ़ी नुमा कटआउट निकल गया है। तो इसको भी हम लोग बहुत जगह यूज कर सकते हैं, जैसे इस मॉडल पे मैंने यूज किया है। अब चलते हैं अगले कटआउट की तरफ। तो मैंने इसको भी राउंड राउंड शेप में स्केच कर लिया और नीचे से एक लाइन, जो थर्माकोल का नीचे से एक लाइन, एक और ऊपर से राउंड राउंड मैंने स्केच किया। अब इसको पूरा 50% काट लेंगे हम लोग। 50% काटने के बाद सीधा काटेंगे, उसके बाद इसको जो राउंड राउंड शेप है वो सीधा ब्लेड लेके, जो थर्माकोल कटर है उसको लेके राउंड राउंड शेप में काटेंगे। जब ये कटआउट कट के निकलेगा ये भी बहुत सही नज़र आता है, आप देखिएगा। तो इस डिज़ाइन का भी हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, ज़्यादातर मैं घर का मॉडल बनाता हूँ उसमें मैं यह डिज़ाइन यूज करता हूँ। अब यही डिज़ाइन को आप वेडिंग नेम प्लेट में बना सकते हैं, उसी में अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारा जैसे कोई डिज़ाइन है, कोई घर का डिज़ाइन है या कोई मॉडल है, उसमें भी आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। वो तो दिमाग आपका अगर क्रिएटिव होगा तो आप अलग अलग तरह का कटआउट खुद ही निकाल लेंगे। ये तो जो मैं आप लोग को बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ अपनी तरह से, अगर आप क्रिएटिव आपका दिमाग है तो आप इससे भी अच्छा डिज़ाइन आप काट के निकाल सकते हैं। बस आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए। सबसे ख़ास है इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो आपका ब्लेड, जो थर्माकोल कटर होता है वो मेन है। देखिए इस वाले डिज़ाइन से इस तरह का आप कटआउट निकाल के किसी भी चीज़ को खूबसूरत बना सकते हैं। तो बहुत सारा जो कटआउट है आप लोग को मैंने दिखा दिया। अब इस वीडियो में तो पूरा नहीं आ सकता, इसलिए मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। तो जो पिछला वीडियो था उसका बेसिक कटआउट था वो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो मैंने दूसरे वीडियो में बनाया था जो एपिसोड 2 था, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। उस वीडियो को आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये सारी वीडियो मैंने आप लोग के कहने पे ही बनाई है। आप लोगों ने ही कहा था कि बेसिक कटआउट हम लोग को सिखाइए शुरू से और ट्यूटोरियल बना के, तो ये आप लोग के लिए था। तो ये पूरा प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ, तो आप एक ही बार में प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो आप देख सकते हो। और ये एपिसोड अभी आते ही रहेंगे। तो मिलते हैं आपको अपना नेक्स्ट वीडियो में जो एपिसोड 4 होगा, उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक गोला या फिर गेंद थर्माकोल से कैसे बनाते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।